हेलो एवरीवन, दिस इज सुनैना माडी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जा रहे हैं मार्केट, मार्केट पहुंच चुके हैं, तो अभी हम जा रहे हैं राशन दुकान में और ये हमारा लिस्ट जो कि हमें मिला है घर से। लुकिंग फॉर गाजर और वो भी ऑरेंज वाला, देसी होता है क्या? हाँ शायद वो देसी होता है, पर हमें यहाँ मिल रहा है वो रेड रेड जो लंबे लंबे होते हैं कैरेट्स, वो वाले। और ये है हमारा मटका मार्केट। मटका नहीं, ये हम इसमें बनाते हैं पीठा, गुड़ पीठा, ये हम इसे नदवा बोलते हैं। आंटी कैसे? 110। मेरी बेइज्जती हो रही है गाइस, यहाँ बच्चे मुझे बोल रहे हैं कि YouTube पे वीडियो डाल के पैसे कमाएगी। अब जाएंगे, कहाँ जाएंगे अभी? जहाँ स्पेशली मकर के लिए, कपड़ों के लिए जो सारे स्टॉल लगे होते हैं, ऐसे टेम्प्ररी जो है। हितेश वो वाला पहनेगा क्या? वो लव लव जो वाला जो बेल्ट है? नहीं नहीं नहीं, तो? वो जो ब्लैक कलर का फ्लोरल, ये वाला कैमरे में देखना, गंजी। तो हमने ये सारा सामान लिया था कल मार्केट से। कल तो हमें वापस आने में काफी रात हो गई थी, तो कल हम वीडियोस बना नहीं पाए थे, तो आज हम बना रहे हैं। हमने ये सारे डब्बे भी लिए फॉर स्टोरिंग आर ग्रोसरीज। आई हैव बीन अलॉटेड अ वर्क और वो है चूल्हा जलाना, और चूल्हा ऐसे जलाते हैं शायद। तो मैंने देखा था मैन वर्सेस वाइल्ड में कि ये जो लकड़ियों पे ये जो रुएदार सूखे सूखे मटेरियल है, इसमें आग जल्दी लगती है, तो हम अभी इस लकड़ी की मदद से चूल्हा जलाएंगे। इसके लिए हमने एक बड़ा सा प्लास्टिक, हम मिट्टी का तेल भी ले सकते हैं, पर इसको कहाँ डालना है? इसको डालना है यहाँ अंदर कहीं, यहाँ पे, और ये इसके ऊपर। धुआं धुआं हो जाएगा। और ये फाइनली हमारा आग जल चुका है, तो इससे ये पता चलता है, ये आम का लकड़ी है ना? नहीं, जामुन का। तो इससे ये पता चलता है दोस्तों कि अगर मैं कभी जंगल में अकेले हूँ तो मैं सरवाइव कर सकती हूँ, बिकॉज आई नो हाउ टू। तेरे को माचिस थोड़ी मिलेगा वहाँ पे? लाइटर हमेशा तो मेरे पास रहते ही है। बीड़ी फूकने के लिए क्या? नहीं, सिगार। ये चूल्हा फाइनली हो चुका है रेडी। फर्स्ट जो बनने वाला है उसके लिए हमने तेल चढ़ा दिया है, और ये हम बना रहे हैं निमकी, नमकीन, निमकी, हम तो निमकी बोलते हैं। तो
ऐ दाना खोज रहा है यहाँ क्या नहीं की खाएगा यार डाल दे डब्बा अंदर गरम है यहाँ हम नेक्स्ट अपना आइटम जो बनाने वाले हैं वो ठेकवा किस्म का कुछ होता है तो ये उसी के लिए मिस लवली इसका जो है क्या कर रहे हैं आप खास्ता बना रही है ये हमारा गुड़ का सिरप रेडी है अब हम इसमें डालेंगे चावल का आटा तो गाइज़ ये हमारा बैटर बन चुका है तो इसको अभी हम 5 मिनट के लिए थोड़ा सा ठंडा होने देंगे पूरा नहीं हल्का सा और फिर इसे हम तेल में तलेंगे हमने ऊपर से थोड़ा सा घी ऐड कर दिया और अब हम इसे ढक देंगे यस ये थोड़ी देर के लिए हम इसे ढक देंगे थोड़ा सा तेल लेंगे और ये गरम है ये गरम है थोड़ा गरम से थोड़ा ज़्यादा गरम से थोड़ा कम गरम और ये इतने छोटे छोटे ये हम शेप्स बनाएंगे ऐसे और हम यहाँ रखते जाएंगे हम इसे प्लास्टिक में इसलिए रख रहे हैं अगर हम किसी बर्तन में रखेंगे तो वो उसमें चिपक जाता है तो बस इसलिए ये हमारा फर्स्ट पीठा जो कि कढ़ाई में जा चुका है ये जाएगा चूल्हे के अंदर अग्निदेव यस ठीक है ये चला गया अंदर ये हो गया हमारा पूजा पहला पीठा अग्निदेव को अब हमारा पीठा अच्छा अच्छा बनेगा यस पत्थर जैसा कड़ा नहीं बनेगा अभी हमें ये वरदान मिल गया है कि हमारे सारे पीठे अच्छे बनेंगे हाँ पत्थर जैसे कड़ा नहीं बनेगा ऐसा पीठा जिससे आप किसी का सर भी फोड़ सकते हैं ऐसा भी बन जाता है कभी कभी तो आज है फाइनली 15th ऑफ जनवरी और आज है मकर संक्रांति आप सभी को अ वेरी हैप्पी मकर संक्रांति और मेरे सारे संथाली दोस्तों को सगुन सकरात और अभी मैं नहा के रेडी हो गई हूँ और अभी मैं खाने जा रही हूँ और मैं आपको दिखाती हूँ कि कल जो हम लोग कल रात सुबह से रात जो हम मेहनत कर रहे थे हम लोगों ने क्या क्या बनाया तो ये है हमारा आज का मेन्यू मम्मी ने बनाया है ये है लेटो इसमें चिकन है और ये है ये वाला जो है ये है सेम का पीठा ये है नमकीन ये है गुड़ का पीठा और ये हम इसे बोलते हैं खजूर क्योंकि इसका शेप वैसा है ये ठेकवे का जैसे होता है और ये है पकौड़ी तो दोस्तों हमने भी पतंग ले लिया है और हम यहाँ ग्राउंड में आए हैं यहाँ बहुत ही ज़्यादा धूप है पर हवा तेज़ है तो हमारा पतंग अच्छे से उड़ेगा यहाँ बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे हैं पीछे जो पतंग उड़ा रहे हैं मैं आपको दिखाती हूँ हमारा पतंग हमने दो पतंग लिए इन बच्चों ने हमें बताया कि अगर आपके पतंग में पूंछ नहीं है तो फिर आपका जो पतंग है वो अच्छे से नहीं उड़ेगा तो वो तो हमें पता नहीं था हम लाइफ में पहली बार पतंग उड़ा रहे हैं मैं आपको दिखाती हूँ हमारा पतंग ये है हमारा एक बड़ा वाला पतंग फ्रोजन जिसकी पूंछ नहीं है और ये छुटकू वाला है छोटा वाला एक है तो इसकी पूंछ है वहाँ ढेर सारे बच्चे हैं जो पतंग उड़ा रहे हैं अरे अरे ये हम बांध रहे हैं धागा आर्टिफिशियल पूंछ Wow.
तो फाइनली आज प्रूव हो गया कि मुझे पतंग उड़ाना नहीं आता। ललित अच्छा उड़ा रहा था। इतने इतनी ज्यादा कोशिशें की मैंने, पर कुछ ना हो पाया हमसे। तो दोस्तों हम जा रहे हैं मेले में, महा मेला घूमने जा रहे हैं, और हमारे साथी जो है वो पीछे है। हमारे घर के जो पास में एक पेट्रोल पंप था, वो काफ़ी भीड़ था, बहुत बहुत ज़्यादा, मतलब मे भी हमें वहाँ में आधा घंटा लग सकता था। तो अब हम दूसरे वाले पंप में जा रहे हैं, वो थोड़ा सा दूर है, बट वो हमें लगता है कि वहाँ जल्दी हो जाएगा, तो इसलिए। जब जब जुल्फे तेरी, तो गाइस मैडम, बिकॉज हमें जहाँ लग रहा था कि हमें पेट्रोल जल्दी मिलेगा, वहाँ पेट्रोल ही ख़त्म है, तो हम वापस वो पहले वाले पेट्रोल पंप में जा रहे हैं। और क्या पता अगर वहाँ भी ख़त्म हो गया तो हमें जल्दी जाना होगा। क्या दे रहा है? आधा घंटा तो पेट्रोल लेने में चला ही गया, और अभी जो हमें फाइनली इतनी मिन्नतों के बाद पेट्रोल मिल गया है, तो अभी हम जा रहे हैं अपनी डेस्टिनेशन की ओर। मैंने तो कभी जगह देखा नहीं है जहाँ पे मेला होता है, और हमारे दोस्तों को पता है रास्ता, तो वो आगे आगे चल रहे हैं और हम पीछे पीछे जा रहे हैं। अरे यार, मास्क लाना चाहिए था, चश्मा तो पहनना चाहिए था एटलीस्ट। बहुत धुल्ला यार, बहुत दूर है। यहाँ जो पहली बार आएगा उसे पहली बार मस्त थमा हो जाएगा। दुल्ली की वजह से फोकस भी नहीं हो रहा है। कैसे बहुत दूर है। मैं तो ये अपना कैप नहीं हटाने वाली जब तक हम मेले के अंदर नहीं जाते हैं। सब कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा है। तो गाइस, मुर्गा मर गया है। तो हम यहाँ पहुँच गए हैं मेले में। दिस इज़ अ काइंड ऑफ बीच पार्टी, नदी पार्टी। तो दोस्तों, मेले में क्या होता है? मेले में होता है खाना और भीड़ और गेम्स एक दो। यहाँ मैं पहली बार आई और मुझे लगता है कि इसके बाद मैं कभी आना भी नहीं चाहूँगी। एक इसका बच्चा खो गया है। नहीं तो मेले में तो भीड़ है, काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, पर हमें उतनी भीड़ नहीं लग रही है क्योंकि स्पेस बहुत बड़ा है, स्पेस बहुत ज़्यादा है। लास्ट है। तो बहुत खुशी के साथ मैं बताना चाहती हूँ कि मैं हार गई हूँ यहाँ पे। गाइस, अभी हम एक गेम स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है छपरी रेटिंग, और हम अभी अपने हिसाब से लोगों को रेटिंग देंगे। ये इसको देते हैं छपरी रेटिंग में 10 out of 10, और उसके दोस्त को 7, और ये गाइस 9। हम जा रहे पीछे उसके, जा जा जा। और ये विनर तो पहले ही डिसाइड हो चुका है, बोले सस्ता एमसी स्टैंड, पर हम फिर वो गेम को चला रहे हैं। कहाँ गया, कहाँ गया?
80,000 के जीते तावड़े। तो गाइस एक छपरी हमसे मिस हो गया है, पर हम ढूंढ रहे हैं और इसे हम बढ़िया से बढ़िया रेटिंग दे सके। 2 नहीं, रेटिंग ज़्यादा देना चाहिए ना, 6 8 20 ही करेंगे ना, हाँ 20 का ही कर दीजिए। यहाँ बना हमारा चाट, ये हमारा चाट तैयार है, आ गया है। वहाँ पे रील बन रहा है, वो अंकल अपनी वाइफ का जो है रील बनाने में हेल्प कर रहे हैं। हे एवरीवन, टुडे इज़ द 3rd डे ऑफ मकर संक्रांति और एक दो क्लिप से जो मुझसे छूट गए थे वो मुझे अभी रिकॉर्ड करने हैं। मेरे घर के पास में यहाँ पे टुसु को बैठाया जाता है, मतलब शी इज़ द फीमेल गॉडेस जिसकी हम पूजा करते हैं मकर संक्रांति के टाइम पे। तो यहाँ पे है मंडप छोटा सा, वहाँ पे देवी माँ है, तो मैं उसका व्यू आप लोगों को अभी दिखाऊँगी। तो चलिए चलते हैं। Hello, buddy. Peace and bad. I can't. I'm going to be a little bit of 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 a little b